वालेकुम क्लास क्लास जो आज हमारा टॉपिक है वो आपकी मॉड्यूल का आउट नंबर नाइन आउटलाइन नंबर नाइन एंड आपकी बुक में ये नहीं है और आपको इसकी नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं विच इज़ सीक्रेट रिजर्व आ सीक्रेट रिजर्व इज अ रिजर्व डेट एक्जिस्ट ऑफ़ विच इज़ कंक्रीट फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट इस टू से देर इज आर सरप्लस ऑफ एसिड्स ओवर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज एंडप्लस इज नॉट डिसक्लोज जिसकी डेफिनेशन से ये सीक्रेट रिजर्व होता है सीक्रेड रिजर्व वो रिजर्व होता है जो आप अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते हो ड्यू टू सरपलस ऑफ योर एसिड जिसमें आपके एसिड सरप्लस हो जाते हैं ज्यादा हो जाते हैं आपकी कैपिटल एंड योर लाइबिलिटीज से देखिए बैलेंस शीट का ये रूल है बहुत साइड इक्वल आनी चाहिए अगर मेरे एसेट साइड की वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड ज्यादा है और मेरी कैपिटल और लाइबिलिटी साइड की वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड कम है तो मैं वो फिफ्टी थाउजेंड एज अ सीक्रेट रिजर्व यूज कर सकती हूँ और अपनी बैलेंस शीट को इक्वल कर सकती हूँ और ये डिस्क्लोज नहीं किया जाते अब ये क्यों रखा जाता है ये क्यों एग्जिस्ट करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेट रिजर्व इज जस्टिफाइड इन द केस ऑफ कंपनीज पर्टिकुलरली बैंक इंश्योरेंस कंपनी एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डिपेंड ऑफ देर सक्सेस ऑन पब्लिक कॉन्फिडेंस ओके ये एक्जिस्ट इसलिए किया जाता है ताकि जस्टिफाई जिस्टि कर सके अपने कंपनी की पर्टिकुलर पर्टिकुलरिटीज जैसे कि बैंक के साथ इंश्योरेंस कंपनी के साथ और जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपकी पब्लिक के कॉन्फिडेंस पे उसके बाद सीक्रेट रिजर्व को आप यूज करते हो एज फॉर फ्यूचर आप कह रहे हैं लॉस के लिए आपको आपको सडनली लॉस हो जाता है सो तो आपके पास जो रिजर्व है आप उसको यूज़ कर सकते हो एज ऑन एग्जाम्पल आप ले सकते हो ट्वेंटी ट्वेंटी की लॉकडाउन में काफ़ी कुछ बंद रहा और काफ़ी कंपनीज ने अपने सीग्रेट रिजर्व को एज देयर एस साइड पे कैश के फॉर्म में यूज किया जो उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और डिफरेंट जगह पे इम्पलीमेंट की थी एंड देन उन्होंने इसको सीकर रिजर्व को यूज़ किया था हाउ इट इज़ क्रिएटेड ये कैसे मनाया जाता है बाय प्रोवाइडिंग टू मच डेप्रिसिएशन ऑन ए फिक्स एसिड अब फिक्स एसिड पर आप जरूरत से ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा सकते हो बाई अंडर वैल्यूड फ्लोटिंग एसिड्स है चाहे स्टोर स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट उसको अंडर ले कर जा सकते हो आप बताते हो कि वो अंडर वैल्यूड है इसके अलावा आप एक्सेस बता सकते हो अपने बैड डेट्स को जो कि लाइबिलिटी साइड पे आती हैं अपनी आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हो चार्ज कर सकते हो आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवन्यू की फॉर्म में आप ऑमिट कर सकते हो छोड़ सकते हो सम एसर्स ऑल टूगेदर फ्रॉम द बैलेंस शीट बैलेंस शीट से और इन आ, और फिर आप इसको बता सकते हो एज योर गुड विल टू बीयर नॉमिनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जिसमें मैंने आपको बताया था आप उसको सीक्रेट रिजर्व के तौर पे फिफ्टी थाउजेंड को यूज़ करते हो बट आपने उसको बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं जस्ट तो करना अगर एक साइड का आंसर आ रहा है 5, 50, 000, और दूसरी साइड का आंसर है सो इट्स नॉट योर बैलेंस शीट क्या आपके बैलेंस शीट जो है वो वैलिड नहीं है तो आपने वो जो अब इंक्रीज फाइव थाउजेंड उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है तो आप इन डिफरेंट प्रोसेस के जरिए उसको एडजस्ट कर सकते हो अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हम ये भी देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं ओके इन टाइम्स टू प्रीवियस इट्स क्रेडिट एंड मेंटेन डिविडेंड एंड इट्स अवॉइड वॉल्यूम्स एंड फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर शेयर की मार्केट प्राइस की फ्लक्चुएशन से रोकता है आपको रिजर्व में भी यूज इन फॉर फ्यूचर टू मीट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस जरूर से ज्यादा कोई नुकसान हो जाता है या आपको डिस्क्लोज करना पड़ जाता है कि आप आप जब आपको नुकसान हो जाता है देन यू डिस्क्लोज विद योर शेयर होल्डर्स हमने इतना सीक्रेट जब रखा था अब हम उसको यूज़ करें फिर आप इसको क्रिएट कर सकते हो विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द कंपनी फ्रॉम ट्रेड ट्रेड कम्पिटेट कंपेटिटर्स के अकॉर्डिंग उसके बाद आप इन, इसके साथ अपने इंक्रीज कर सकते हो अपना वर्किंग कैपिटल कि आप काम में ज़्यादा पैसा लगा लो जिसके अदर uh, साइड पे आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी एंड देन फिफ्थ आप एब नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ईयर भी इसको कह सकते हो जिसको आप लर्न करते हो ईयर बाई ईयर जो बैड टाइम्स में आप इसको यूज करते हो सो दिस वर्ड्स आर हाईलाइटेड ये लाइन पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए गए हैं जो करने हैं इसके हिसाब आपने हाउ इट इज क्रिएट करना है एंड द डेफिनेशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व यह आपका एक टॉपिक था थैंक यू क्लास